उत्तराखंड की ऊंची चोटियों में बर्फबारी हो रही है। आज सुबह भी ओली में काफी बर्फ गिरी। कल भी उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में हिमपात हुआ। कल अधिकतर इलाकों में दिन भर बादल छाए रहे। वहीं चारों धाम सहित ऊंची चोटियों पर हिमपात भी हुआ। मौसम में आए इस बदलाव से राज्य में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। रविवार को केदारनाथ में दिन भर रुक रुक कर बर्फबारी होती रही और यहाँ लगभग 6 इंच नई बर्फ जम चुकी है। संपूर्ण केदारपुरी बर्फ की चादर ओढ़े हुए नजर आ रहा है, जिससे यहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहां पूरे दिन भर तापमान माइनस में रहा। इस दौरान अधिकतम तापमान 1 डिग्री और न्यूनतम तापमान -15 डिग्री दर्ज किया गया। द्वितीय केदार मध महेश्वर, तृतीय केदार तुंगनाथ सहित हरियाली कांठा के ऊपरी तरफ भी हल्की बर्फबारी हुई, जबकि मुख्यालय रुद्रप्रयाग सहित जिले के निचले इलाकों में सुबह से काफी जो है धूप खिली रही। उसके बाद देर शाम तक आसमान में घने बादल छाने से ठंड का प्रकोप भी ज्यादा रहा। खराब मौसम के चलते बाजार में चहल कदमी काफी कम रही। उखीमठ, चोपता, गुप्तकाशी, मयाली, जखोली, चिरबटिया में भी शीतलहर की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बर्फबारी जो है जमकर पहाड़ों पर हो रही है। ओली की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर ही नजर आ रही है। आज ओली पे आए हैं और कुछ भी नहीं था, एंड हैवी रेनिंग, स्नोइंग हैवी, सो मच फन, बहुत मजा आ रही है। और हम इधर 5 दिन और रहने वाले हैं, तो हमको स्कीइंग सीखना है, तो हम स्कीइंग सीख के जाएंगे यहाँ से। ओली में बर्फबारी का काफी अच्छा नजारा देखने को मिल रहा है और काफी टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं और लोगों को आनंद आ रहा है कि जो लोग इस बर्फबारी का नजारा देखना चाहते थे वो लोग आज ओली में पहुंचकर अपने आप को भाग्यवान समझ रहे हैं। जो स्नोफॉल अभी ताजा हो रही है यहाँ पे और इसमें यहाँ के जो हमारे के लिए जो यहाँ पे रोजगार है, रोजगार में इसमें लोगों को और बर्फबारी से पूरे क्षेत्र में लहर है और जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं वो इसका आनंद ले रहे हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ ओली से हमारे संवाददाता पुष्कर नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कर, जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी पड़ रही है, किस तरह का नजारा देखने के लिए मिल रहा है? बिल्कुल देखिए पारुल, आपको मैं बता दूं कि लगातार पहाड़ों में जिस तरह से जो जनवरी, पुष्कर मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? बिल्कुल देखिए पारुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से पहाड़ों में जो बर्फबारी का दौर जो है शुरू हो गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी सेंसर का अलर्ट किया हुआ था। तो लगातार जो है कल से ही जो है मौसम जो है जनपद चमोली का खराब था। ऊंचाई वाले क्षेत्र, चाहे ओली हो गया, चाहे बदना धाम हो गया, या आपका चोटा वाला एरिया होगा, या उधर देवास की अगर बात करी जाए, या गैसन वाले की भराड़ीगंज की बात करी जाए, तो लगातार जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। अगर पारुल ओली, क्योंकि इस समय जो है शीतकालीन जो पर्यटक जो है ओली का रुख करता है, तो इस समय जो ओली में इसमें हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पे बर्फबारी हो रही है और इसका आनंद भी यहाँ पे लिया जा रहा है पर्यटकों द्वारा। हालांकि जो होटल व्यवसायी के जो चेहरे यहाँ पे खिले हुए देखने को मिले हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार बर्फबारी पहाड़ों से तय हो रही है, उसका सीधा सीधा असर जो है मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि शीतलहर सुबह और शाम के टाइम तक जो है शीतलहर देखने को मिल रही है। हालांकि इस समय की अगर बात की जाए पहाड़ों की, समय जो है हल्की धूप खिली हुई है, लेकिन लगातार जो पिछले 2 दिन से लगातार जो है, चाहे जनपद चमोली हो या आपका रुद्रप्रयाग हो या आपका धनौल्टी वाला एरिया या उत्तर काशी वाला एरिया या मसूरी वाला एरिया, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है जहाँ पे शीतकालीन पर्यटक आता है, यहाँ पे बर्फबारी लगातार देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल पुष्कर देखिए बर्फबारी हो रही है, पर्यटकों के चेहरे खिले नजर जरूर आ रहे हैं और भारी संख्या में पर्यटक भी अब पहाड़ी इलाकों पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ के स्थानीय लोगों की बात की जाए तो स्थानीय लोगों को किस तरह की परेशानियां हो रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल देखिए पारो, क्योंकि बर्फबारी जब होती है ऊंचाई वाले क्षेत्र में, क्योंकि छोटे छोटे गांव जो है यहाँ पे बसे हुए हैं, चाहे ओली की बात करूँ या रुद्रप्रयाग की जनपद की बात करूँ या आपका उत्तरकाशी की अगर बात करी जाए, तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, गांव वाले क्षेत्र है, तो यहाँ पे विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त हो जाती है, नदों में पानी जम जाता है, लाइट नहीं पहुंच पाती है, सड़कें नहीं खुल पाती हैं, तो इनको लेकर जो है ग्रामीण को दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता है। हालांकि जो नेशनल हाईवे की अगर बात करी जाए पारो, जोशीमठ की अगर बात करो, जोशीमठ तक, पांडुकेश्वर और आपका हनुमान चट्टी तक जो है लगातार यहाँ पे बर्फ भी जमी हुई है, पाला भी जमा हुआ है। तो इसको जो आपदा प्रबंधन की टीमें होती है, इनको नमक छिड़ो कर इसको जो है रोड को खोलने का काम यहाँ पे किया जाता है, लेकिन
जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, इनको जो है भारी दिक्कतों का सामना जो है स्थानीय लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि इनको बाजार आना पड़ता है अपनी चीजों को लेकर। तो कई कई किलोमीटर जो है, अगर मैं निर्मला घाट की अगर बात करूँ तो यहाँ से 10-10 किलोमीटर जो है पैदल इनको भुवनेश्वर पहुँचना पड़ता है। बिल्कुल पुष्कर, और देखिए परेशानियां लोगों को, स्थानीय जो वहाँ के लोग हैं, तमाम देखने के लिए परेशानियों ने जरूर मिल रही होंगी, लेकिन जिस तरह से पर्यटक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं उससे व्यवसाय में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लाभ जरूर हो रहा होगा। बिल्कुल पालू, क्योंकि छोटे व्यवसाय जो है, छोटे व्यवसाय होते हैं, और की अगर मैं बात करूँ पालू, तो 6 महीने जिस तरह से की अब नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक यहाँ पे बर्फबारी होती है, जो व्यवसाय जो छोटे काश्तकार हमारे होते हैं इनकी छोटी छोटी दुकानें यहाँ पे होती हैं, या रेंट बसेरे इन्होंने बनाए होते हैं, होम स्टे इन्होंने बनाया होता, तो इनको जो रोजगार के लिए इस समय जो है अच्छा मौका मिल रहा है, क्योंकि पर्यटक इस समय जो उत्तराखंड का रुख कर रहा है, क्योंकि बर्फबारी भी हो रही है और उसके साथ साथ होम स्टे की अगर पालू बात कर जाए तो जोशी मठ से लेकर आपका ओली से लेकर जो टावर 10 है यहाँ तक जो है, फरवरी में यहाँ पे होली में जो खेल भी यहाँ पे होने हैं, तो एक बर्फबारी का दौर जो है लगातार हो रहा है, पर्यटकों के चेहरे भी खिले हुए हैं, तो स्थानीय व्यापारी या व्यवसाय जो करते हैं उनको भी इस समय जो है बहुत लाभ मिल रहा है, क्योंकि हजारों की संख्या में जो है समय पर्यटक जो है होली का रुख कर रहा है, या आपका धनौटी वाला एरिया है, उत्तरकाशी वाला एरिया है यहाँ का रुख कर रहा है, मसूरी का रुख कर रहा है, तो पर्यटकों के चेहरे भी खिले हुए हैं और स्थानीय व्यापारियों के चेहरे भी यहाँ पे खिले हुए हैं। चलिए ठीक है पुष्कर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ओली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार किस तरह से बर्फबारी हो रही है और ऐसे में तमाम पर्यटक वहां पर पहाड़ी इलाकों पर पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि बर्फबारी होने की वजह से सभी के चेहरे खिले हुए नजर जरूर आ रहे हैं और चारों तरफ सफेद चादर बर्फ की दिख रही है। हालांकि पहाड़ों पर जिस तरह से बर्फबारी हो रही है उससे मैदानी इलाकों में भी ठंड ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मैदानी इलाकों में भी बारिश हो रही है। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ तहसील के विकास खंड बढ़नी के ग्राम पंचायत बसिया के कोटेदार के द्वारा प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को वितरण किए जाने वाला राशन नहीं दिया गया, जबकि कार्ड धारकों से उक्त कोटेदार भगवान दीन द्वारा ई पास मशीन से अंगूठा लगवा लिया गया और लाभार्थियों को रिफाइंड तेल, नमक और चने का वितरण किया गया, लेकिन चावल और गेहूं का वितरण नहीं किया गया, जिसकी शिकायत कार्ड धारकों ने तहसील स्तरीय अधिकारी पूर्ति निरीक्षक से की। मौके पर पूर्ति निरीक्षक विद्यावासिनी श्रीवास्तव ने गांव में जांच की और मामले को सही पाया, लेकिन उक्त कोटेदार के खिलाफ विभाग की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो सिद्धार्थनगर का पूरा मामला है जहां पर कोटेदार के खिलाफ शिकायत लाभार्थियों ने की है और दरअसल लाभार्थियों को राशन कोटेदार के द्वारा नहीं मिल रहा है। नस्ता सर यही है जी कि जब जब ये गल्ला उठाते हैं तब तक उठा कभी अंगूठा लगवाते कभी गल्ला वैसे ही बेच लेते हैं। इसमें तीन अब की उठाए, जो आज 25 तारीख हो गया, 25 तारीख के बीच में कोई गल्ला नहीं मिला। एक एक किलो रिफाइंड दिए, 1 किलो चना, 1 किलो नमक, इसके अलावा गल्ला नहीं। आज घर छोड़ के पब्लिक जब आते तो घर छोड़ के भाग देते हैं। कहाँ आई हैं आप? यहाँ कहाँ आई हैं? गल्ला आया है। गल्ला मिला आपको? नहीं। क्यों नहीं मिला? नहीं दिन तब का करे जो भरी और कुछ नहीं। बिजनौर में एक दोस्त ने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि पैसों के लेन देन को लेकर दोस्त ने दोस्त की होटल ले जाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले युवक से मारपीट की, फिर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी हुई है। तो बिजनौर का पूरा मामला है जहां पर दोस्त ने ही अपनी दोस्त की हत्या कर दी। पैसे के लेन देन को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। वहाँ से डिलीवरी न होने और उसके घर में मौत होने की सूचना दी गई, जो ड्राइवर ने बताया है। रूम नंबर 105 कान्हा होटल में आए, मृत अवस्था में सुबह पाए गए। दरवाज़ा जब खोलने का प्रयास किया गया, बाहर से दरवाज़ा बंद था। लगभग 1 बजे रूम खोला गया। उनके गर्दन में, हाथ में कटे के निशान हैं, मृत अवस्था में हैं। पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है।
मथुरा के एसएसपी गौरव ग्रोवर के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध कारोबारियों के खिलाफ अभियान में शेरगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस को अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर छापा मारा और बड़ी संख्या में बने हथियार बरामद किए हैं। साथ ही इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। थाना शेरगढ़ पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान में अवैध शस्त्र फैक्ट्री सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसमें भारी मात्रा में अधबने उपकरण भी बरामद हुए हैं। बने हुए उपकरणों में 3 अदद बंदूक 315 बोर, 2 अदद बंदूक 12 बोर, 1 अदद देसी तमंचा 315 बोर सहित काफ़ी कार्टेज बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त में सोनू पुत्र दयाराम निवासी मनसा टीला थाना हाईवे जनपद मथुरा है। एक साथी भागने में सफल रहा है। गाजियाबाद के मोदीनगर में कश्यप समाज के सम्मेलन में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कश्यप समाज को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है और इसके सारे वादे झूठे हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की हितैषी नहीं है। वहीं ओपी राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव से पहले ही पैदल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और ये जो हमारा गठबंधन है 12 दलों का, हम लोगों ने तय किया है सबके मुद्दे एक। किसानों के गन्ना भुगतान का मुद्दा सबका है, जातिवार जनगणना का मुद्दा सबका एक है, घरेलू बिजली का बिल का मुद्दा हम सबका एक है, गरीबों का इलाज फ्री में करने का मुद्दा एक है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का मुद्दा एक है, प्रदेश में अमन चैन कायम करने, तो फिर विवाद किस बात का है।